नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं कोल्हान की खबरें। सीएम की जोहार जन आशीर्वाद यात्रा स्थगित कर दी गई है। कोल्हान में भारी बारिश की वजह से यात्रा स्थगित कर दी गई है। 1 अक्टूबर तक सारे कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा स्थगित है। कोल्हान में भारी बारिश के कारण शेष बची यात्रा स्थगित। 1 अक्टूबर तक कोल्हान में होने वाली थी जोहार जन आशीर्वाद यात्रा। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजेश, जिस तरह से लगातार यात्रा कर रहे थे सीएम और जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा था, योजनाओं के बारे में, उपलब्धियों के बारे में जनता से वो मुखातिब हो रहे थे, जनता को जानकारियां दे रहे थे, मगर कहीं ना कहीं मौसम की वजह से स्थगित कर दी गई है यात्रा। हाँ बिल्कुल, ये ताजा अपडेट ये है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उसके मद्देनजर लोगों को परेशानी हो रही है और साथ ही मुख्यमंत्री के आवागमन में भी परेशानी हो रही है। आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक भी नहीं हो पाए क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए पर्याप्त विजिबिलिटी नहीं थी, इस कारण से वो जा नहीं पाए सरायकेला। और आगे की जितनी भी जनसभाएं हैं, संवाद हैं, सभी स्थगित कर दी गई है। और मैं एक और जानकारी दे दूं कि संभवतः राष्ट्रपति का जो कल गुमला में के बिशुनपुर में जो कार्यक्रम है, अगर ऐसे ही मौसम रहा तो शायद वो भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी अधिकारी से बात हुई है उसमें ये परेशानी आ रही है कि मौसम नहीं खुला तो फिर ये भी जाने में संकट है। और चूंकि वहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतरना है बिशुनपुर में, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर ये परेशानी हो सकती है। शारिक जी, जाहिर तौर पर राजेश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की यात्रा स्थगित कर दी गई है भारी बारिश की वजह से, अब जो संकट के बादल है वो राष्ट्रपति की यात्रा जो गुमला जाने वाले हैं और देवघर, उस पर ही मंडराने लग गए हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। इधर भारी बारिश की वजह से आज कोल्हान में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सीएम के होने वाले सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। वहीं खरसावा में जनता को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया और सूबे में एक बार फिर डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की। लोग हैं जहां सामान्य प्राणी है, चाहे वो नीचे की इकाई हो, बड़ी इकाई हो, समस्या में लौटना एक स्वाभाविक गुण है और समस्याओं से लड़कर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में लंबे संघर्षों के बाद विजय प्राप्त किया है और आने वाले दिनों में भी विजय प्राप्त करे, इसी संकल्प के साथ यह यात्रा प्रारंभ हुआ है। जिस तरीके से आपने 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ, 2019 में उससे भी बड़े बहुमत के साथ, उसी तरीके से इस 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बड़े बहुमत के साथ आप अपने हाथों से अपना शासन कायम करें। के बारे में, यहाँ के चीजों के बारे में, यहाँ के समस्याओं के बारे में ध्यान रखने वाला जो दायित्व है, वो दायित्व संभालने वाले व्यक्ति का ध्यान उसमें नहीं है। कल ही हमसे कुछ लोग खरसावा से मिले थे, लोगों ने कहा कि यहाँ ये जो समस्या है उस पर बात नहीं होती, बात होती है कि निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कहाँ मौका मिल सकता है। राज्य के अंदर संपूर्ण विकास कैसे होगा जब इस विधानसभा क्षेत्र में हम चीजों को ध्यान नहीं रख पाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान जनता को